नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों आप लोग सभी को गणेश चतुर्थी का बहुत बहुत शुभकामनाएं है। दोस्तों आप लोग देख रहे हो, ये है मेरी मम्मी और हम लोग एक मंदिर में आए हैं, घर के पास ही है। और आप लोग देख रहे हो रास्ते में भी कोई गाड़ी वाड़ी इतना नहीं है, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन है। यहाँ हमारे यहाँ पे सैटरडे एंड संडे वीकेंड लॉकडाउन है और बाकी दिन खुला है। आप लोग देख रहे हो मेरी मम्मी अभी दिया जलाने वाली है और हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, तो यहाँ पे मैं आई हूँ। आज गणेश चतुर्थी है तो इसीलिए अभी आई हूँ। और आप लोग जानते हो कि अभी फ़िलहाल तो मंदिर मस्जिद ये सब आज अभी बंद है, सो बहुत ही मतलब बुरा भी लगता है ना कि मंदिर बंद है और इतना पूजा हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, मैं भी मंदिर में आई हूँ और दिया जला रही हूँ, सो बहुत मिस कर रही हूँ। मंदिर बंद है, ये मंदिर बस ऐसे थोड़ा सा मतलब पास में है तो इसीलिए आ गई। ये ऐसे ही खुला रहता है हमेशा, बट जहाँ पे इतना सारा भीड़ होता है, सब मंदिर वगैरह तो सब बंद ही है और पूरा पूजा भी आ रहा है तो मंदिर बंद है, तो बहुत मिस कर रही हूँ कि मंदिर कब खुलेगा पूरा। और गणेश जी को दिया जलाया मैंने और अगरबत्ती भी जला रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का जो प्रॉब्लम से सब कुछ ठीक हो जाए, सब लोग खुश मतलब खुशी से रहे, सुखी सलामत रहे, यही चाहती हूँ। तो गणेश जी सबको अच्छे रखे और जो भी देश की परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो। मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत दिन के बाद आई हूँ और वैसे तो मंदिर बंद ही है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। गणेश जी की पूजा करने से मन में भी शांति होती है और मंदिर जाने से वैसे भी हमारे मन जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, तो इसीलिए मंदिर खुलने से तो अच्छा है। पर इतना सारा प्रॉब्लम्स है जो इसीलिए मंदिर भी नहीं खुल पा रहे, सो जल्दी से जल्दी सब कुछ प्रॉब्लम्स दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी मंदिर खुल जाए, यही चाहती हूँ। दोस्तों देख रहे हो, सो सभी को पता है कि हमेशा गणेश जी को प्रथम पूजना होता है। गणेश जी को प्रथम देवता मानते हैं, क्योंकि शिव परिवार में हम पहले गणेश जी को पूजा करते हैं, या सभी भगवान की पूजा में पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, तो इसीलिए आज गणेश पूजा है। इसके बाद दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा के पहले विश्वकर्मा पूजा, ये सब आने वाले हैं। तो दोस्तों आज मंदिर में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप लोग देख रहे हो मेरी जो फ़ोटो है मंदिर में, सो बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाके। और आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताना, और आप लोगों ने आज गणेश चतुर्थी में कैसे पूजा किया उसको भी ज़रूर बताना। और दोस्तों आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये है मंदिर। यहाँ पे मैं मतलब दिया जलाया, अगरबत्ती, और आप लोग ये देख रहे हो, ये मेरे मम्मी है और ये मेरे घर के पास की एक भाभी है जो आप देख रहे हो, ये नियम कर रहे हैं कुछ मतलब गणेश चतुर्थी के लिए पूजा कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो मेरी मम्मी वो भाभी को सिंदूर लगा रही है और कुछ नियम से गणेश चतुर्थी का पालन करेगी। सो आप लोग देखते जाइए, आप लोग को पता चलेगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो सात मतलब बाती है, वहाँ पे सब दही है और दही को इसे हाथ में लेके चंद्रमा को पूजा कर रही, मतलब प्रणाम कर रही है। सो एक एक को मेरी मम्मी दे रही है और उसको पूजा कर रही है। ये पूजा इसको देने के लिए सुहागन होना जरूरी है, क्योंकि ये पूजा आप देख सक रहे हो, पहले सिंदूर लगाएंगी, फिर उसके बाद मतलब हाथ में साड़ी में देगी। आप लोग देख रहे हो, आप लोग ने शायद ये नियम देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो आप लोग आज देख लीजिए कैसा लगा, ज़रूर बताना। आप लोग देख रहे हो, और एक दही की जो बाती है उसको फिर से हाथ में देगी और उसके बाद हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही है। आप लोग देख रहे हो, ये इवनिंग का टाइम है और ये हमारे ही कैंपस में हमारे कास्ट वाले भाभी के घर में ये पूजा कर रही है। आप देखते जाओ और ज़रूर पूरा कंप्लीट करके देखना, तभी आपको पता चलेगा इसके बाद क्या करने वाली है। और चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए पूरा, और आप लोगों को अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश जी सब प्रॉब्लम दूर कर दे और जल्दी से जल्दी सब कुछ मंदिर वगैरह खुल जाए और कोरोना भी जल्दी से जल्दी मतलब दूर हो जाए, सब लोग अच्छे से रहे, जितना भी जिसको भी बीमारी हुआ है सब लोग
सबका बीमारी दूर हो जाए और बस सब लोग हैप्पी रहे। सो सब लोग भगवान जी का पूजा हमेशा करो, मन में शांति मिलेगी। और जब मंदिर खुलेगा तो सब लोग जाना, ज़रूर जाना, और तभी मंदिर खुलेगा जब ये सब प्रॉब्लम्स दूर होगा। सो भगवान जी जल्दी से सब कुछ प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए। और आज का दिन में मैंने मंदिर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सब लोग पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, थैंक यू। और कैसा लगा बताना भी मत भूलना। सो दोस्तों आज मैं मतलब थोड़ी बिजी थी, ऐसे ही मंदिर में गई, घर के पास पूजा था, इसीलिए दूसरा कुछ मोटिवेशनल वीडियो या कुछ नहीं बनाया। सो ज़रूर मैं कल फिर से आप लोगों के लिए लेके आऊँगी मोटिवेशनल कुछ टॉपिक। आज मैंने भगवान जी के नाम ही ये क्या किया दिन में, सो ये बनाया। सो चलिए देखिए।